प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपना भारत विरोधी रुख दिखाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान से भारत का व्यापारिक रिश्ता काफी पुराना रहा है, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही तालिबान ने सबसे पहले भारत के साथ आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि तालिबान ने फिलहाल आयात निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा माल ज्यादातर पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई किया जाता है। उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालात के सामान्य होने पर दोबारा व्यापार शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते रविवार से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। वहीं भारत और अफगानिस्तान में सदियों से व्यापार होता आया है। बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश भी किया है। एक आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अफगानिस्तान में भारत ने 83 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया, वही 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सामान आयात किया है। आयात निर्यात बाधित होने से प्रभावित हुआ है कारोबार। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारत आने वाले ड्राई फ्रूट्स का कारोबार बुरी तरह से बाधित हुआ है, जिस कारण भारत में सूखे मेवे के दाम में जोरदार इजाफा हो गया है। दिल्ली में खारी बावली के एक दुकानदार ने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले मेवों की कीमत बढ़ गई है। इसका कारण अफगानिस्तान में जारी गतिरोध है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में इनकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि भारत ने अफगानिस्तान में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। अफगानिस्तान में भारत 400 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। करीब 3 अरब डॉलर का निवेश भारत ने किया है। इसके अलावा भारत चीनी, चाय, कॉफी, मसाला समेत अन्य चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं बड़े स्तर पर ड्राई फ्रूट्स, प्याज वगैरह खरीदता है। अब देखने वाली बात यह है कि तालिबान भारत संग अफगानिस्तान को लेकर आगे क्या रुख अपनाता है। फिलहाल अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबानी युग का लौटना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। तो वहीं अमेरिका ने तालिबानी कब्जे के लिए अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।